हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कंफोरी में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं यदि आपका कंप्यूटर स्लो चलता है। तो सबसे पहले आपको दबाना है विंडो आर, यहाँ पर आपको टाइप करना है टेम्प। टेम्प मतलब होता है टेम्पोरेरी फाइल। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक फोल्डर होता है जिसमें आपके कंप्यूटर की जितनी भी सॉफ्टवेयर चले रहते हैं उनकी टेम्पोरेरी फाइल बनाता है। यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, सभी को डिलीट कर देना है। दूसरे आपको करना है, फिर से आपको विंडो आर दबाना है, यहाँ पर लिखना है फरेफैच। फरेफैच भी एक विंडो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही एक फोल्डर होता है जिसमें आपकी बहुत सारी फाइल जो वायरस होती है, टेम्पोरेरी फाइल होती है, उन्हें आपको डिलीट कर देना है, जो आपके बूटिंग पावर को कंज्यूम करते हैं, प्रोग्राम को भी कंज्यूम करते हैं। तो ये आपको सब डिलीट कर देना, जो डिलीट नहीं हो रही उन्हें छोड़ देना है क्योंकि वे इस समय रनिंग में हैं। दूसरी बार भी आपको दबाना है विंडो आर। जैसे आप विंडो आर दबाएगा आपको लिखना है प्रतिशत टाइम प्रतिशत, परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पर आपको देखो कितनी सारी फाइल हैं। जैसे ही आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल होगी आपको इन सबको डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करेंगे धीरे धीरे आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती रहेंगी। जो फाइल डिलीट नहीं हो रही उसे छोड़ देना क्योंकि ये फाइल इस समय रनिंग में है। दूसरा ऑप्शन आपको करना है विंडो प्लस आई दबाना है, यहाँ पर आपको लिखना है स्टोरेज। जैसे आप स्टोरेज लिखेंगे सेटिंग पर क्लिक करना है स्टोरेज सेटिंग। जैसे आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जाना है विंडो सी, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन के बाद दिखा देगा टेम्पोरेरी फाइल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर टेम्पोरेरी फाइल्स होगी उन सभी को डिलीट कर देना है क्योंकि आपने वैसे तो डिलीट कर दी है लेकिन कुछ फाइल ऐसी होती है जो आपको नहीं दिखाई देती है, जो उन फोल्डर से बाहर होती है, लेकिन हमारी जो विंडो होती है वो उन्हें कैच कर लेती है, वो एक जगह एकत्रित कर लेती है। तो आपको यहाँ पर स्कैनिंग कर देनी है। देखो यहाँ पर बहुत सारी फाइल आएंगी, यहाँ पर देखो डाउनलोड आएगा, जो जिन जिन फाइल की आपको ज़रूरत नहीं उन फाइल को छोड़ देना है। मैं जैसे यहाँ पर डाउनलोड को छोड़ दूँगा, बाकी सबको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आएगा एक रिमूव का ऑप्शन, आपको इन सभी फाइल को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको जो तीसरी सेटिंग में जाना है विंडो प्लस आई दबाना है, फिर से आपको वही सेटिंग में जाना है। यहाँ पर लिखना है आपको स्टार्टअप एप्स। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन देगी। देखो मैंने सभी एप्लीकेशन बंद कर दिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही एप्लीकेशन को चलाया है ताकि मेरा कंप्यूटर लोड होते समय टाइम ना लगाए। तो आपको जितनी भी एप्लीकेशन देगी आपको डिसेबल कर देनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।